किसान भाइयों नमस्कार, मैं एग्री गुरु दुर्गा प्रसाद के उठे स्वागत करता हूँ भारत एग्री के एक नए वीडियो में। किसान भाइयों आज के वीडियो में देखेंगे नवंबर महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हो उसकी जानकारी के बारे में। किसान भाइयों अगर आप नवंबर महीने में सब्जियों की खेती करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेहतरीन और टॉप मोस्ट सब्जियां कौन कौन सी होगी और इसी के साथ अधिक उत्पादन देने वाली किस्में कौन कौन सी होगी, इसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले नंबर पर है टमाटर की फसल। तो किसान भाइयों आइए जानते हैं टमाटर की सबसे बेहतरीन 5 किस्मों के बारे में। पहली है सेमिनिस कंपनी की अभिलाष, दूसरी है सिजेंटा कंपनी की साहो, तीसरी है सिजेंटा कंपनी की आयन 7042, चौथी है ननेज कंपनी की ईवेस 440, पाँचवीं है सिजेंटा कंपनी की हिमशिखर। किसान भाइयों नवंबर महीने में आप बैंगन की फसल भी ले सकते हो। आइए जानते हैं इसके टॉप 5 किस्मों के बारे में। पहले नंबर पर है साइनसीड कंपनी की F1 ओपल, दूसरे नंबर पर है रासीसीड कंपनी की पारुल, तीसरे नंबर पर है माइको कंपनी की माही निखिल, चौथे नंबर पर है माइको कंपनी की माही 11, पाँचवें नंबर पर है ईस्ट वेस्ट कंपनी की ललिता F1, छठवें नंबर पर है VNR कंपनी की मुक्ता गोल। किसान भाइयों नवंबर महीने में आप मिर्ची की फसल भी ले सकते हो। आइए जानते हैं इसकी टॉप 5 वेराइटियों के बारे में। माइको कंपनी की तेजा 4, दूसरे नंबर पर है सेमिनिस कंपनी की सितारा, तीसरे नंबर पर है माइको कंपनी की 9 तेज, चौथे नंबर पर है VNR सीट की रानी 332, पाँचवें नंबर पर है हाईवेज कंपनी की सोनल। किसान भाइयों नवंबर महीने में आप प्याज की फसल भी ले सकते हो। तो आइए जानते हैं इस फसल की बेहतरीन वैरायटी के बारे में। पहले नंबर पर है पंचगंगा सीट का पूना फुरसंगी, दूसरे नंबर पर है वैभव सीट का चाइना सुपर, तीसरे नंबर पर है सेमिनिस कंपनी का गुलमोहर, चौथे नंबर पर है जिंदल कंपनी का नासिक लाल, पाँचवें नंबर पर है राइस एग्रो कंपनी का भीमा सुपर। किसान भाइयों नवंबर महीने में आप मटर की फसल भी ले सकते हो। आइए जानते हैं इसके टॉप किस्मों के बारे में। पहले नंबर पर है अडवांटा कंपनी की GS10, दूसरे नंबर पर है पाहुजा कंपनी की PS1100, तीसरे नंबर पर है साइनसीड कंपनी की SS10, चौथे नंबर पर है अजी सीड कंपनी की AS101, पाँचवें नंबर पर है हाईवेज कंपनी की गोल्डी। किसान भाई नवंबर महीने में आप शिमला मिर्ची की फसल भी ले सकते हो। तो आइए जानते हैं इसके टॉप बेहतरीन वेराइटियों के बारे में। पहले नंबर पर है इंडसइंड कंपनी का Indus 1201, दूसरे नंबर पर है इंडसइंड कंपनी का पोप्टी Indus 11, तीसरे नंबर पर है साइनसीड कंपनी का F1 कनिका, चौथे नंबर पर है साकुर सीड कंपनी का राधिका ग्रीन F1, पाँचवें नंबर पर है इंडोसेम कंपनी की कनक। किसान भाई नवंबर महीने में आप पत्ता गोभी की फसल ले सकते हो। तो आइए जानते हैं इसके टॉप 5 किस्मों के बारे में। पहले नंबर पर है सेमिनिस कंपनी की इंदु, दूसरे नंबर पर है हाईवेज कंपनी की बिंदु, तीसरे नंबर पर है सेमिनिस कंपनी की ग्रीन चैलेंजर, चौथे नंबर पर है इंडोसीड कंपनी की जुई हाइब्रिड, पाँचवें नंबर पर है सिजेंटा कंपनी के रॉयल स्टार। किसान भाई नवंबर महीने में आप मूली की फसल भी ले सकते हो। तो आइए जानते हैं इसके टॉप बेहतरीन किस्मों के बारे में। पहले नंबर पर है माइको कंपनी की महाबाइश, दूसरे नंबर पर है निर्मल सीड कंपनी की NRD 45, तीसरे नंबर पर है साइनसीड कंपनी की F1 प्रीति, चौथे नंबर पर है इंडस कंपनी की F1 स्वाति, पाँचवें नंबर पर है सिजेंटा कंपनी की EORI White। किसान भाई नवंबर महीने में आप धनिया की फसल भी ले सकते हो। तो आइए जानते हैं इसके टॉप बेहतरीन किस्मों के बारे में। पहले नंबर पर है साइनसीड कंपनी की रुचि, दूसरे नंबर पर है अजीत सीड कंपनी की अजीत अरोमा, तीसरे नंबर पर है हाईवेज कंपनी की कस्तूरी, चौथे नंबर पर है ईस्ट वेस्ट कंपनी की रामशेष, पाँचवें नंबर पर है रामधारी सीड कंपनी की सुरभि। किसान भाई नवंबर महीने में आप पालक की फसल भी ले सकते हो। तो आइए जानते हैं इसकी टॉप बेहतरीन किस्मों के बारे में। पहले नंबर पर है साइनसीड कंपनी की सरिता, दूसरे नंबर पर है ईस्ट वेस्ट कंपनी की ग्रीन फ्लेवर, तीसरे नंबर पर है एडवांटा सीड कंपनी की मुलायम F1, चौथे नंबर पर है पाहुजा सीड कंपनी की दिल्ली ग्रीन, पाँचवें नंबर पर है इंडो अमेरिकन कंपनी की इंडम कोलकाता। किसान भाई बताई गई 10 सब्जियों में से आप किसी भी सब्जी की फसल नवंबर महीने में आसानी पूर्वक ले सकते हो और अच्छा उत्पादन निकाल सकते हो। तो आइए जानते हैं इन सब्जियों की खेती करने के लिए महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी होगी। खेत की गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को समतल करें। सब्जियों की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में होना बहुत जरूरी है। किसान भाई फसल लगाने के पहले सड़ी हुई गोबर की खाद या केचुआ खाद का उपयोग करें। बीज की बुआई करने के पहले बीज को जैविक या रासायनिक फफूंदनाशक से उपचारित करने के बाद बीज को बोएं। किसान भाई फसल में पोषक तत्वों की कमी ना होने दें, इसलिए हमें समय समय पर उर्वरक प्रबंधन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फसल में समय समय पर सिंचाई करें। फसल में कीटों रोगों की समस्या आने के पहले उसका प्रतिबंधक उपाय करें। किसान भाई बताई गई जानकारी के अनुसार अगर आप खेती करते हो तो खेती में अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।